तो हेलो दोस्त, कैसे हो? तो आप सबको पता ही है कि मैं इंडिया के बहुत सारे सिटी में, जैसे लखनऊ, जयपुर, नोएडा, दिल्ली, मुखर्जी नगर, उत्तम नगर, पटना, रांची और ऐसे बहुत सारे, गोरखपुर, ये सब एरिया है, धूमधूम, कोलकाता, ये सब एरिया में मैं काफी लोगों को दिलवाया हूँ और अभी भी मैं दिलवा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको, मेरे पास 3 गो रूम का इन्फॉर्मेशन आया, जिसमें एक बैचलर के लिए है, 2 BHK रूम है, और जो सिंगल लेना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लेना चाहते हैं, जिसको सारा कुछ आपको वहीं पे मिले, उस टाइप का भी मेरे पास रूम है। और मैं कुछ लोकेशन का रूम है, कुछ सिटी का नाम बताऊंगा कि कौन सा सिटी में अभी किस टाइप का रूम अवेलेबल है, सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले मैं जो रूम का वीडियो है तीनों, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कैसा रूम है, क्या लोकेशन है, किस बजट में किसके लिए है। उसके बाद मैं आगे का इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अभी जो सिटी है वो कौन सा सिटी में किस टाइप का रूम है, कितना बजट का है, किसके लिए है, सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। उससे पहले जो बैचलर के लिए होता है, जैसे कि कोई पढ़ाई लिखाई करने आता हो, या स्टूडेंट हो, या वर्किंग स्टूडेंट हो, तो उसके लिए मैं एक रूम दिखाना चाहता हूँ। पहले आप रूम का वीडियो देख लीजिए। देख, यही हो लालपुर में ही हो, सिंगल बेड का 2200 पड़े दोस्त, मतलब 2300, 23 में 2300 है। फैन बेड लगा हुआ है सारा कुछ, और वॉशरूम भी दिखाई देता हूँ। और यह वाशरूम और यह रेडियल दोनों हो। हाय, कैसा लगा ये रूम? मतलब रूम काफी अच्छा है। एक रूम है जिसमें 2 बेड लगा हुआ, फैन लगा हुआ, आपको बस यहाँ पे गद्दा या बिछौना जो भी लेके जाना चाहो, थारी बर्तन, अगर खुद से खाना बनाना चाहो तो खुद से बना सकते हो, या आप एक मेज करना चाहो, या आप जैसा भी आप खाना बनाना चाहो उसके हिसाब से आप खुद एडजस्ट कर सकते हो। सिंगल बेड का इसका है 2200 या 2300 रुपये आपको सिंगल बेड का होने वाला, पर बेड का अगर सिंगल रूम लेते हो तो 4000, बाकी यहाँ पे बेड वाला ही मिलेगा। तो काफी स्टूडेंट है, अगर काफी अच्छा है स्टूडेंट हो तो ये लालपुर में है, बहुत ही बेस्ट लोकेशन। यहाँ पे आपको बहुत सारा लाइब्रेरी मिल जाएंगे, कोचिंग मिल जाएंगे, और अगर लड़की वड़की तारते हो तो बहुत सारे मॉल मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, कपल्स है बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, इसके आसपास बहुत सारा जो चाहोगे वो मिलेगा। तो ये हो गया। अब भैया, जो एक 2 BHK रूम है उसका वीडियो नहीं दिखाइएगा भाई? दिखाऊंगा नहीं, अगर आप बैचलर हो, फैमिली हो, लव मैरिज कपल हो, तो भाई आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है, तो वीडियो आप देख लीजिए ना। कैसा लगा? 2 BHK रूम है, काफी अच्छा है, पेंट भी काफी अच्छा है, टाइल्स मार्बल लगा हुआ, तो काफी बेस्ट है भाई। मुझे तो ये रूम काफी अच्छा लगा, आपको भी काफी अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि भाई रूम ना पसंद आने की कोई बात ही नहीं है। भैया ये किसके लिए है? तो ये बैचलर के लिए है। कहाँ पे भैया? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। जो भी फैमिली हो, या 2 BHK का फ्लैट रिक्वायरमेंट कर रहे हो, या बड़ा फ्लैट रिक्वायरमेंट कर रहे हो, तो ये रूम को बुक कर सकते हो। भैया इसका रेंट कितना है? तो इसका रेंट समथिंग लगता है 7 से 8 हजार रुपया होने वाली है। अगर हाँ, अगर इसमें 1 महीना का आपको ब्रोकरेज चार्ज भी इंक्लूड है तो आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा भैया, जो सिंगल रूम जहाँ पे सब कुछ मुझे मिलेगा बना बनाया, उस टाइप का रूम था, वो वीडियो नहीं दिखाइएगा? वीडियो देख लीजिए ना। आपका सिंगल रूम हो जाता है, सिंगल रूम, सिंगल बेड, सिंगल फैन, मतलब ये हॉस्टल है भाई। कहाँ पे? राजेंद्र नगर टर्मिनल में। कहाँ पे है? राजेंद्र नगर टर्मिनल। मुझे तो काफी अच्छा लगा, यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है, लाइब्रेरी मिल जाता है, स्टडी करने के लिए एक हॉल रूम मिल जाता है, पर्सनल रूम तो मिल ही जाता है, लैट्रिन वॉशरूम, आपको कोई साफ सुथरा करने की जरूरत नहीं है, बस आपका रूम भी साफ सुथरा करने की जरूरत नहीं है, आपको रूम में आएगा, वहां पे जो काम करती है साफ सुथरा करेगी और आपको चल जाएगी, बस आपको जिस समय साफ होगा उस समय आपको घर से, रूम से बाहर निकल जाना है और अपना फिर, मतलब अच्छा है भाई। रेंट कितना है? अगर आप सिंगल रूम लेते हो तो 8000 रुपया लगेगा, अगर सिंगल बेड लेते हो। हाँ, 8000 रुपया खाली रूम का नहीं है भाई, इसमें खाना पीना फ्री, वाईफाई, लाइब्रेरी, सारा कुछ आपको इंक्लूड है। अब 8000 में सिंगल रूम लेगो भाई, इसमें सारा कुछ आपका इंक्लूड है। तो जो भी राजेंद्र नगर टर्मिनल तरफ इस रूम को बुक करना चाहते हो तो बुक कर सकते हो। और मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि मुझसे कांटेक्ट कैसे होगा और कौन सा सिटी में किस टाइप का रूम है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। मुझे कुछ घर के ओनर से कॉन्टेक्ट आया, भैया यहाँ पे मेरे पास वाराणसी में रूम खाली है, तो एक 2 BHK रूम है, 2 BHK का इंडिपेंडेंट फ्लैट है, रेंट 10000 है, और लोकेशन कहाँ है? वाराणसी लंका।
कहाँ पे, वाराणसी लंका में है। और एक ओवन बीएच का और मेरे पास रूम आया है, मतलब बहुत सारे कॉन्टेक्ट करते हैं ना, कोई बैचलर लोग कॉन्टेक्ट कर, भैया मेरे बगल में रूम खाली है, कोई है तो भेज दीजिए। मेरा घर के ओनर बोले कि कोई रूम लगवाता है तो भेजना, तो मेरे पास भेजा, तो मैं बोला भाई डिटेल्स बताओ, मैं लिख लिया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। तो एक और है आपका कोलकाता में, कहाँ पे, ओवन बीएच का रूम है, अनफर्निश्ड रूम आपको मिलेगा, बैचलर फैमिली और लव मैरिज कपल हो, बैचलर हो या फैमिली हो या लव मैरिज कपल हो, आपको मिल जाएगा। और लोकेशन कहाँ पर, नियर न्यू टाउन बस स्टैंड पर, कहाँ पर, जो न्यू टाउन के पास जो बस स्टैंड है ना, वहां पास आपको ये रूम मिल जाएगा। रेंट कितना भैया, रेंट ओनली 4500 रुपया है। अगर आपको इसे बुक करना चाहते हो तो भैया आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें, तो भाई आप मुझसे कॉन्टेक्ट करोगे तो मैं घर का ओनर का नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कीजिएगा, आप लेबर रहेगा तो आपको मिल जाएगा, आप बुक कर लेना। तो भैया आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें, तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर लीजिए, कॉल नंबर लीजिए, जल्द से जल्द ये रूम के लिए इंक्वायरी और बुक कर सकते हो, अगर अवेलेबल रहेगा तो आपको मिल जाएगा। और एक और रूम है मेरे पास, तो मेरे पास एक और रूम है भाई, कहाँ पे है, तो केस्तापुर रोड नंबर 5 में, कहाँ पे, केस्तापुर रोड नंबर 5 में, आरके रूम है, फर्स्ट फ्लोर में है, रेंट 7000 रुपया है। अगर जो भी बैचलर फैमिली या लव मैरिज कपल हो तो आप इसे रिकमेंड कर सकते हो, आपको बुक हो जाएगा। और एक मेरे पास लखनऊ में है, तो एक लखनऊ में मेरे पास है, जो बहुत सारे वर्किंग रहते हैं, वहां पे यूनिवर्सिटी है, पीडब्ल्यू है, तो वहां पे पढ़ाई करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, या काम के तलाश में जा रहे हो, या आप घूमने जा रहे हो, तो आप एक महीना रहना चाहते हो, दो महीना रहना चाहते हो, साल भर रहना चाहते हो, आपका 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, तो वहां पर रहकर स्टडी करना चाहते हो या वर्क करना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको लखनऊ में चाहिए तो लखनऊ में एक 1 BHK रूम है, फैमिली और स्टूडेंट दोनों को मिल जाएगा, कपल्स को नहीं मिलेगा। लोकेशन इसका ओल्ड महागंज निशांत नगर है, ओल्ड महागंज निशांत नगर आपको मिल जाएगा, रेंट ओनली 4500 रुपया। तो ये सब कहाँ कहाँ बताया आपको, वाराणसी में बताया, न्यू टाउन तरफ बताया, आपको केस्तापुर में बताया, और यहाँ पे निशांतगंज में बताया, लखनऊ निशांतगंज में आपको है रूम। तो इस सब में से कोई भी रूम चाहिए, तीनों में से आपको कोई भी वीडियो पसंद आया तो उस तीनों में से कोई रूम बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये तीनों का मेरे पास फोटो है, जैसे 4 लोकेशन बताया, तो 4 लोकेशन अगर मैं, अगर जहां भी आपको रूम लगे कि हाँ ये मुझे रूम चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये सारा इन्फॉर्मेशन कुछ भी हद तक अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि और अगर ये सब आपको ज्यादा बजट लग रहा है तो कम बजट में आएगा तो रूम बुक कर लेना, बाकी आपको डेली वीडियो देखना पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा कौन से लोकेशन में कितना बजट का रूम आने वाला है। तो भाई बेल आइकन दबा लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।